स्वागत है दोस्तों मेरी YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं कि टॉप छत के ऊपर जो 2.5 फुट या 3 फुट का जो पिलर होता है उसमें अगर लाइट वगैरह लगता है तो बीच में उसमें एक स्टील का पाइप रहता है जिसमें कि लाइट फिटिंग होता है, तो उसका हॉल किस तरह से कटिंग करना है और इस वीडियो में हम कटिंग मशीन से ही उसका हॉल कटिंग करके बताने वाले हैं। तो मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं रौनक स्टार मार्बल यूट्यूब चैनल। तो चलिए रौनक स्टार बढ़ाएं अपनी घर की रौनक। तो फ्रेंड हॉल कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से हमने पूरा ऊपर जो ग्रेनाइट लगेगा टॉप पे तो उसका पूरा मेजरमेंट हमने ले लिया और इस तरह से मार्किंग करना है। और ये जो देख रहे हैं आप बीच में ये पाइप का एरिया है तो इसको हम राउंड कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पहले आपको मार्किंग करना है और मार्किंग करने के बाद इस तरह से आप जो ग्रेनाइट है उसको घुराते जाइए और आहिस्ता आहिस्ता से उसको कटिंग करते जाइए जिस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। और वीडियो को एंड तक देखिए आपको पूरा ए टू जेड समझ में आने वाला है किस तरह से आप ग्रेनाइट को बीच में राउंड हॉल कटिंग कर सकते हैं। और आप जब भी मार्किंग कीजिएगा तो ग्रेनाइट हो या मार्बल उसका उल्टा साइड आपको मार्किंग करना है। और ये देखिए इस तरह से आपको कटिंग करते जाना है, घुराते रहना है और इस तरह से आपका जो है हॉल कटिंग होगा। और मेजरमेंट जो है आपको जैसे मोल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसी हिसाब से आपको अच्छे से मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट करने के बाद इस तरह से आपको कटिंग करना है और इसको कटिंग करते जाइए, घुमाते जाइए, ऑटोमेटिक ये गोल हॉल जो है पाइप का आपका कटिंग हो जाएगा। और इसी तरह से आपको कटिंग करना है मेजरमेंट लेके। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, हमने इस वीडियो में पूरा बताया किस तरह से आपको फिटिंग करना है, किस तरह से इसका जो है पूरा लुक किस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये गोल निकल गया और पाइप जो है अराउंड 2 इंच के आसपास आता है, 2 इंच का स्टील का पाइप जो है रहता है। और ये देखिए इस तरह से कटिंग हुआ है। तो बीच में देखिए एक्स्ट्रा जो गड्ढा हुआ उसको किस तरह से हम मेकअप करेंगे वो भी इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे जब फिटिंग करेंगे। तो इसका किस तरह से अब हमको पाइप में मेजरमेंट चेक करना है, ये हॉल जो है पूरा एक्यूरेट हुआ है या नहीं हुआ है, बड़ा है या छोटा है, इसको चेक करना है। फिर किस तरह से चेक करेंगे वो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको, ये देखिए इस तरह से आपको पहले रख के पाइप के ऊपर चेक करना है। ये देखिए तो ये हॉल जो है छोटा है तो इसको छेनी का उल्टा साइड जो होता है, ये देखिए उल्टा साइड से हल्का हल्का हम उसको मार के चटकाएँगे यानी कि हॉल को बड़ा करेंगे। और आराम आराम से मारिएगा, वो ऑटोमेटिक जो है हॉल बड़ा होते चला जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का आप छेनी से मारिएगा उल्टा साइड से, क्योंकि वो कटिंग होने टाइम में पूरा जो है वो कटिंग होते होते जो है धार जो है बारीक हो गया यानी पतला हो गया है, तो छेनी का उल्टा साइड से मारिएगा वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको मारना है हल्का हल्का करके और इसको बहुत ही आराम आराम से करना है, क्योंकि ज़्यादा कहीं ज़ोर पे मार दिए तो ज़्यादा टूटने का डर है ग्रेनाइट। आप चेक करते जाइए और किस जगह पे कटिंग होगा, कहाँ पे टूटेगा उसको आपको देख के हल्का हल्का आपको मारना है और पूरा चेक कीजिए और हल्का हल्का तोड़िए, क्योंकि एक बार अगर तोड़ दीजिएगा तो पूरा जो है स्क्वायर में जगह पर नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो चेक कीजिए और उसको फिर हल्का हल्का तोड़िए किस तरह से, जैसा कि हम दिखा रहे हैं इस तरह से आपको हल्का हल्का मार के इसको पूरा क्लियर करना है। और ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरह से हल्का हल्का उसको चटका के तोड़ के चेक करना है और चेक करने के बाद ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका। तो इसी तरह से इसका फिनिशिंग करना है और इसका जो हॉल का मार्किंग लेना है वो अच्छे से आपको लेना है चारों साइड से, और जितना जो मोल्डिंग लटका हुआ रहेगा जो लोजिंग रहेगा उस हिसाब से आपको देख लेना है। और ये जो है एक पीस नहीं है, बहुत सारा है, वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं फेसबुक पेज पे भी लाता रहता हूँ। आपको किसी तरह का फ़ोटो या फिर डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमारे
फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। और इसका जो है फिटिंग करने का प्रोसेस समझ लीजिए, इस तरह से फिटिंग हम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पहले हमने टॉप पे पानी दिया, उसके बाद थोड़ा सा वाइट सीमेंट छींट दिया है, ये समझ लीजिए कि घोला हमने दिया है। और उसके बाद इस तरह से अच्छे से आपको मसाला को लेवल करना है। और लेवल करने के बाद बीच में जो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग हुआ है राउंड, तो उसमें अलग से देखिए एक्स्ट्रा हम मसाला दे देंगे ताकि जगह तो खाली नहीं रहे, जगह पूरे जगह पे मसाला आ जाए। और ये फिटिंग जो है हम वाइट सीमेंट पे कर रहे हैं, आप ब्लैक सीमेंट भी दे सकते हैं। और इसी तरह से आपको फिटिंग करना है, लेकिन बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला आपको देना होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कटा है तो पूरा जगह जो है मसाला से ब्लॉक हो जाए, यानी भर जाए। तो ये पूरा देखिए इस तरह से कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।